तो हर आदमी का सवाल होता है कि कितना परसेंट ऑफ रिटर्न बनता है ट्रेडिंग में जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, मंथली कितना परसेंट का रिटर्न हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको ये जो परसेंटेज रिटर्न ऑफ गेन का जो गेम है ना वो पूरा समझ में आएगा, और कुछ चीज जो बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो रहा है और इसको अगर अभी नहीं सुधारोगे तो होता जाएगा, उस चीजों पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हर वीडियो इतना ज्यादा डीप बना देते हैं, स्टार्ट करते हैं सैलो सोच के हल्का हल्का में क्लियर करेंगे, लेकिन घुसते घुसते इतना अंदर घुस जाते हैं, लिटरली बता रहा हूं कभी स्क्रिप्ट भी नहीं करता हूं मैं, और घुसते घुसते के क्लियर में जाके कुछ ऐसा चीज निकल के आ जाता है जो आपके लिए तो छोड़ दो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि जो 5% का रिटर्न है, क्योंकि देखो बहुत सारे ट्रेडर मुझे कॉल करते हैं गौतम भाई स्विंग ट्रेडिंग से कितना परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं बोला देखो भाई इसका कोई करंट आंसर नहीं है कि आप इतना बोले 5% 3%। मैं बोला देखो 3-5% ओवरऑल नहीं, 5% तो कम से कम बनेगा ना, अगर 5% भी नहीं बने तो स्विंग ट्रेडिंग करके क्या फायदा, 3% भी 2% भी नहीं बने तो फायदा क्या। लेकिन इसका आंसर पता है ये नहीं है कि 2% हो या 1% हो या एफडी को करो, इस टाइप का जो माइंडसेट ही गलत है। अब बोलो ये गलत कैसे है, मैं अभी बता दूंगा आपको। और कुछ चीजें देखो, पहले एक बार मैं वार्निंग दे देता हूं, ये वीडियो में मैं खिचड़ी बना दूंगा पूरा। अभी मैं स्टॉक में जाऊंगा, फिर इंडेक्स दिखाऊंगा, थोड़ा चार्ट भी शेयर करेंगे, कुछ कुछ चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में जो बदल रहा है उस चीजों को भी दिखाऊंगा। तो जो अगर आप डायरेक्ट वाला पाथ वाला वीडियो ढूंढ रहे हो ना कि एक सिंपल वीडियो मिल जाएगा जिसको सिर्फ ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, तो दोस्त ये वो वीडियो नहीं होने वाला, आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट ट्रेडर बनने वाला पैकेज की तरफ देख रहे हो ना कि एज अ ट्रेडर मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं इस वीडियो से, तो 1% भी अगर आपका टाइम खराब हो जाए इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, आप कमेंट में जाके गाली लिख देना कि गौतम भाई इस वीडियो से वैल्यू नहीं मिला। चाहे आप ऑप्शन करते हो, स्विंग करते हो, स्टॉक करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, व्हाटएवर कुछ भी करते हो, वीडियो वैल्यू देगा। लेकिन हां थोड़ा घुमाऊंगा, आदत है मेरा, खराब आदत है अच्छा आदत है, आदत है तो आपको घूमना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है ना। आप तैयार हो जाओ मेरे साथ घूमने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहला चीज क्या है ना, ये जो सवाल है यही सबसे बड़ा जड़ है कि 3-5% का रिटर्न स्विंग में बन सकता है। आप मार्केट में ट्रेड करते हो, एक होता है सपोर्ट एक होता है रेसिस्टेंट। जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो वहां से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट बूम करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मतलब मान लो अगर सपोर्ट है 100 का और रेसिस्टेंट है 150 का, तो कोई चार्ट या कोई स्टॉक या कोई ऑप्शन जब 130 120 से गिरते गिरते आएगा नीचे, कहां तक गिरना चाहिए उसको, 100 तक गिरना चाहिए, 100 तक गिरेगा, इवन कभी कभी ब्रेकडाउन भी हो जाता है। पर जब वो ऊपर जाएगा तो कहां तक रेसिस्टेंट लेगा, 150 तक लेगा। इसी चीज को अगर आप इस तरह से देखोगे कि अगर आप 5% का मंथली टारगेट बनाते हो तो आपने एक सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ कर लिया है अपने लिए। अब सपोर्ट तो कुछ है नहीं, असल में कोई सपोर्ट नहीं है आपका, अगर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, 5% की जगह 4% बने, 3% बने, 2% बने, इवन माइनस में चले जाए, मूड खराब हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर जाना शुरू करोगे ना, 3% बनाओगे, चार, एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, आपको भी पता होगा, जीरोधा में 60 डे चैलेंज आता था, फर्स्ट में 30 डे चैलेंज आता था। जैसे ही बंदा या फिर मंथली, आप ये चीज को रिलेट कर पाओगे कि आप एक महीना प्रॉफिटेबल होने का जो जर्नी बनाते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक मंथ जैसे ही पूरा ग्रीन में होते हो, एक आध दिन दो दिन बचा हुआ होता है, आपको लगता है यार पूरा मंथ ग्रीन में क्लोज करना है, और वो दिन सारा पैसा लेके चला जाता है मार्केट, क्योंकि आपका जो नर्वसनेस है, आपका जो खुद से जो फाइट चल रहा है और कंफ्यूजन वाला है कि मैं अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लो लेवल पे परफॉर्म कर देते हो उस दिन पे, ठीक है ना। और मान लो अगर एक मंथ ट्रेड करके आप 25,000 का कैपिटल को 26,000 बनाए और वो लास्ट दिन घट के 25,000 हो गया या 24,000 हो गया, आप पूरा एंजाइटी में आ जाते हो, यार पूरा एक महीने का मेहनत बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा फाइट करके लॉसेस करते हो, 6,000 7,000 8,000 जो भी जिसका कैपिटल जिस टाइप से है उस टाइप से। मुझे याद आ गया कि किसी फीमेल ने मुझे अपना ये रिपोर्ट भेजा था, तो उसी का एग्जांपल मैंने दिया था। इसी टाइप से मान लो स्विंग ट्रेडिंग में जब आप 5% का एक टारगेट बनाए, तो जब भी मार्केट आपको पैसा देगा नहीं ना, तभी तो आपको लगेगा कि यार नहीं दे रहा है, मेहनत की एक महीना। लेकिन जिस दिन आपको मार्केट पैसा देना चाहेगा ना, मतलब लॉसेस होगा तो आप लॉसेस ले लोगे, कम प्रॉफिट होगा तो आप कम प्रॉफिट ले लोगे, क्योंकि मार्केट दे ही नहीं रहा। लेकिन जिस दिन आपको मार्केट पैसा देना चाहेगा, कितना लोगे पता है आप? 5% का प्रॉफिट लोगे। ऐसा ही होता है, सब कोई ऐसा ही करता है, क्योंकि वो रेसिस्टेंट बन गया, आपका माइंड पूरा प्रिपेयर, हां इस महीने का 5% हो गया, अब अगले महीने में 5% बनाएंगे। बट हो सकता है उस महीने आप 5 की जगह 25 बना सकते थे। अब आपको बोला ना कि प्रूफ कराऊंगा इस चीजों को, सिर्फ बकेती वाला बात नहीं कि बोल के ये चीज। और एक ऐसा चीज भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा ना कि आपको लगे यार ऐसा कैसे होता है, और यही सच्चाई है। कड़वा है पर क्या करे, टेढ़ा है पर मेरा बोलते ना कुरकुरे, पर कड़वा है पर यही सच्चाई है। अब देखो होता क्या है कि ट्रेडिंग का जो रिजल्ट होता है वो होता है वेरी। अब आप मान लो 10 दिन साइडवेज मार्केट था, आप मर जाओगे नाक रगड़ के घिस के, लेकिन एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और एक दो दिन अगर अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ गया मार्केट में, तो एक दिन में इतना बड़ा पैसा बन जाता है जितना आप 10 दिन में छोटा छोटा बूंद करके जमा कर रहे थे ना, वो एक बार में आपको समंदर मिल जाता है। लेकिन उस बूंद में ही बर्बाद होकर लोग निकल जाते हैं, या फिर उस बूंद में सोचते हैं कि मुझे एक बाल्टी मिल जाए, एक बाल्टी पानी मिल जाए, और जब कुआं का कुआं मिलने वाला होता है उसमें भी वो एक बाल्टी लेके निकलते हैं। पहले से ही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ट्रेडिंग में रिजल्ट वेरी करता है। अब इसका आपको प्रैक्टिकल बोला था दिखाऊंगा। आज से करीब 1-2 महीने पहले मैंने एक लिस्ट बनाया, स्टॉक का लिस्ट, अगर उसका क्लिप मिलेगा लाइव में, मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा था कि आने वाले टाइम में मैं इस चीजों को आपको डिस्क्लोज करूंगा, कैसे इस चीज को काम करना है, कैसे मैंने ये क्या पर्सपेक्टिव से बनाया और क्या माइंडसेट था। तो
अभी करीब 1.5-2 महीना हो गया, अगर क्लिप मिल गया ना तो एडिटर लगा देगा उस चीज का, नहीं मिला तो बहुत सारे लोग जो वो याद होगा जिनको ये रॉकेट लिस्ट, एक बार कमेंट कर देना कि हाँ मुझे याद है ये चीज दिखाया था। अब जो रॉकेट लिस्ट मैंने बनाया था, वो रॉकेट लिस्ट का तरीका क्या था कि मैं गया सबसे पहले, देखो एक मार्केट में कॉन्सेप्ट है साइडवेज मार्केट, साइडवेज ही रह जाता है बहुत दिन तक, ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग ही रह जाता है। आप देखते हो कि एक स्टॉक अगर 10% चढ़ा है ना तो कल भी बहुत ज्यादा चांस है उसका कि वो 10% 8% चढ़ सकता, ठीक है ना, हाँ गिर भी सकता है, पर अगर हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो उस स्टॉक पे क्यों ना हाथ डाले जिसका पोटेंशियल ज्यादा है चलने का, लॉस हम यहाँ भी लेंगे लॉस हम वहां भी लेंगे। तो इसके कारण जो ट्रेंडिंग स्टॉक होता है वो अपने बिहेवियर को वापस से फिर से पकड़ना चाहता है। तो मैंने क्या किया, मनी कंट्रोल पे गया और टॉप गेनर टॉप लूजर उठाता था मैं, सबसे ज्यादा जो आग लगा हुआ स्टॉक है, और उसको 3 दिन लगातार, सिर्फ 3 दिन, एकदम सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूँ, 3 दिन, इस चीज को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, 3 दिन टॉप जो गेनर मुझे दिखा 10% 15% शायद निफ्टी 200 या 500 से निकाला था कि 10% 19% 18% जो स्टॉक चढ़ा हुआ दिखा सबको ऐड कर लिया। मैं तभी नहीं घुसूंगा, मैं तभी नहीं दिमाग लगाऊंगा कि इस चीज पे घुसना है या प्लान करना है या जो भी करना है, ठीक है ना, मैं उसको बस ऑब्जर्व करने के लिए लिस्ट में रखा था कि इस चीज में अगर इन फ्यूचर जाके काम करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए उस समय मैं जाके अनाउंस कर दिया लाइव में कि मैं एक रॉकेट लिस्ट बनाया हूं, आने वाले टाइम में इस चीज के बारे में आपको डिस्क्लोज करेंगे बताएंगे। अब इस लिस्ट में आप देखो यहां पे टोटल इतने स्टॉक्स हैं, गुजरात मेट्रो केफिन एप्पल, उस समय का बात है। अब जो सबसे शॉकिंग ट्रूथ आपको पता चलेगा इस चीज में, जो 5% 7% वाला रिटर्न है, आपको याद होगा या नहीं होगा, एक स्टॉक था टोरेंट पावर करके, ठीक है ना, उस पे टोटल 2 एंट्री बना था। पहला एंट्री बना था इस जगह पे जब मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट एकदम सस्टेनेबल ब्रेकआउट है और यही ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, और अगले दिन 18% भागा था। और दूसरा फिर से लाइव में जब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि ये जो सपोर्ट से लेके गया है मार्केट, क्योंकि जो गैप अप मार्केट यहां से यहां किया है इस चीज का, जो ये वाले दिन यानी कि 25 जनवरी को जो मैंने इसमें स्विंग ट्रेड लिया था, शेयर भी किया था आपके साथ, याद होगा लाइव वाले कमेंट करना कि हां याद है आपने बताया था दिखाया भी था। इस चीज में अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर 600 से 1500 लगभग 131% का रिटर्न है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना कमा लोगे या इतना मैंने कमा लिया, मैं बस कुछ बता रहा हूं वो समझो, ठीक है ना, फिर मैं इसको पूरा डिकोड कर दूंगा आपके लिए। उसी टाइप से यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो एंट्री था इससे भी ऑलमोस्ट आप देखोगे 50% का रिटर्न मार्केट बना चुका है। कितना दिन हो रहा है, 80 डेज हो रहा है लगभग। अब जो 5% 4% 3% का जो टारगेट होता है ना मंथली, ये टारगेट लूप क्यों है बताता हूं आपको। अब ये वाला जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट मैंने बनाया था, इस लिस्ट को जब मैं डीपली ऑब्जर्व किया ना हाल फिलहाल, तो मुझे एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्रूथ मिला। हालांकि वो ट्रूथ मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, आपके लिए हो। पहले मैं आपको सभी स्टॉक्स दिखाता हूं और उसके बाद आप नोटिस करके बताना कि वो चीज देख पाते हो कि नहीं। पहला स्टॉक है गुजरात, चार्ट इसका ये है, दूसरा स्टॉक ये है, तीसरा स्टॉक ये है, फिर मैं दिखा दूंगा, चौथा स्टॉक ये है, पांचवा स्टॉक ये है, छठा स्टॉक, सातवां स्टॉक, आठवां स्टॉक। तो अगर देख पा रहे हो तो एक बार कमेंट करो ब्रेक लेके कि क्या चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। अगर कोई भी अभी तक उस चीज को डिकोड कर लिया है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, कर दिया और जाके कमेंट करो। अब मैं बताता हूं, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेड, शायद मैंने ये सब लिस्ट यहां बनाया था 29 जनवरी के आसपास, मेरे ख्याल से ये वाला लिस्ट बना होगा क्योंकि सबसे बड़ा मोमेंटम जब जब आया था तभी लिस्ट बना था, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में आप अगर सेटअप हो पीपीपीपीटी वाला, जो हम लोगों का ट्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो देखोगे आप तो आपको दिखेगा बड़ा बड़ा मोमेंटम। कितना बड़ा बड़ा मोमेंटम, पहला 16%, इस पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 19%, इस पे देखोगे तो आपको दिखेगा, अभी वो चीज दिखाया नहीं है, जो दिखाऊंगा आपको ना वो खतरनाक दिखेगा, और ये सेटअप का पार्ट है 18%। अब जो शॉकिंग ट्रूथ में आपको ये भी देख लो यहाँ से, ठीक है ना, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसे कैसे होता है, ये सेटअप है, जो कमेंट करना है कर देना जीओटी और कॉम्बो वाले मेंबर्स, आप लोग अगर रिलेट कर पा रहे हो, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग बोलते हो ना कि कहां से ढूंढे कैसे ढूंढे, रॉकेट लिस्ट बनाओ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा शॉकिंग ट्रूथ ये है कि मंथली रिटर्न क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्यों हार्ड है, क्योंकि मार्केट का मूड होता है, कभी मार्केट बुलिश होता है, कभी मार्केट साइडवेज होता है, कभी मार्केट बियरिश होता है। अब जो सारे स्टॉक्स में आप देखोगे ऑलमोस्ट, जैसे इसका अगर आप देखो टर्निंग पॉइंट किस डेट में है, 27 मार्च में, ठीक है ना, इसका अगर आप देखोगे तो ये कब मुड़ा लगभग, ये मुड़ा 20 मार्च में, चलो ठीक है, इसका डेट अगर आप देखोगे 14 मार्च, याद रखना 14 मार्च 20 मार्च 27 मार्च, अब देखना कि किस टाइप से टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है ना, ये कब से मुड़ा भाई, ये भी 14 मार्च से मुड़ गया, ये स्टॉक और ये स्टॉक में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये 14 से मुड़ रहा है, ये भी 14 से मुड़ रहा है, अच्छा चलो ये वाला देखते हैं, ये कब से मुड़ा, ये भी 14 से मुड़ रहा है, ये वाला देखते हैं ये कब से मुड़ा भाई, ऑलमोस्ट ये भी 14 से ही मुड़ रहा है, 14-15 से, ठीक है ना, ये कब मुड़ा लगभग 2-3 दिन 20 मार्च, ठीक है ना। सारे स्टॉक्स का अगर आप मोमेंटम ट्रैक करो, चलो ये तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अंडर परफॉर्म है, ये गिरा हुआ है, ठीक है ना, ये लगभग 14 मार्च, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में आप देखो एक सर्टेन डेट है जहां से मोमेंटम आया है, समझे, 14 मार्च, ऑलमोस्ट सारे ट्रेड सारे स्टॉक्स, जबकि कोई स्टॉक का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक जरा इसको निफ्टी से कंपेयर करते हैं, निफ्टी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि यहां से मुड़ गया है, मुड़ा तो 20 तारीख से है, यानी कि एक डीप चीज देखो कि स्टॉक्स में
हैं, पोजीशंस पहले से बिल्ड होना शुरू हुआ होगा, यहाँ तक पोजीशंस बिल्ड कर चुका है ऑपरेटर अपना। पर ये जो ब्रेकडाउन आया है ये तो जानबूझ के लाया गया ब्रेकडाउन है, समझे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, क्यों, ताकि जो लोग है वो पैनिक में अपना पोजीशन छोड़ दें, समझे। और काम यही हो गया है, असली काम यही हो चुका है। आप जब स्टॉक्स को नहीं, मैं पोर्टफोलियो इंडिकेटर का बात करता हूं, असली काम यही हो गया, लेकिन इसको जाके ब्रेकडाउन कराया गया मार्केट में कि नहीं भाई मार्केट तो अब गिरेगा, और इस ब्रेकडाउन को देखो आप, यहां से यहां तक का सारा सपोर्ट को ब्रेक कर दिया गया और मार्केट यहां से टर्न हुआ। लेकिन इसका इनसाइडर इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको इस जगह से ही मिलना शुरू हो गया, पहला चीज। दूसरा, मार्केट असली रिटर्न तो बाद में ही दिया है, 14 तो सिर्फ स्विंग बना था, असली रिटर्न यहां से दिया है। तो ऐसे में अगर निफ्टी के साथ इसको सिंक्रोनाइज करो तो देखो कि जब निफ्टी मूव करेगा सबको मूव कराएगा, निफ्टी 4% मूव करेगा। अब एक और आपको बड़ा चीज दिखाता हूं, अभी तक जितने भी स्टॉक्स दिखाए सबका स्टॉक्स 20-30-40% का मोमेंटम आपने देखा, लेकिन अगर यही चीज को आपको नॉर्मली देखना है ना, अब यही चीज को अगर हम लोग थोड़ा लार्ज कैप से कंपेयर करें, देखो लार्ज कैप में भी आपको सेम अपॉर्चुनिटीज वही सब मिला है, ऑलमोस्ट 14 मार्च से आपको देखो मुड़ना शुरू हो गया है, 15 मार्च से ये कितना मूव किया है 5%, उसका कितना मोमेंटम आया है 40%, 30%, 2.5%। पर आप कौन सा ट्रेड करोगे, आप ट्रेड करोगे HDFC बैंक, आप ट्रेड करोगे एक्सिस बैंक, आप ट्रेड करोगे भारतीय एयरटेल, आप ट्रेड करोगे जाके, मतलब जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है ना वो ट्रेड करोगे, पैसा 5% कमाने में घिस के मर जाओगे। आप बोलोगे क्यों, मैं क्यों जाऊं स्मॉल कैप की तरफ या उस टाइप का ट्रेड मैं क्यों लूं, वो तो रिस्की है। कैसे रिस्की हो गया भाई, एक बात बताओ, जब आप ये ड्रॉ देख रहे हो यहां पे लोगे, यहां पे कितना परसेंट का रिस्क बन रहा है आपका, यहां पे भी तो लगभग मान लो अगर आप ये ग्रीन कैंडल पे लेते हो तो आपका रिस्क बन रहा है 2.46% का, अगर ये ब्रेकआउट मतलब देखते हैं हम लोग, और अभी अगर स्विंग हाई भी देखते हैं कि चलो स्विंग हाई का टारगेट 1:2 बनाने में हालत खराब हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर कोई रॉकेट लिस्ट वाला स्टॉक्स को पकड़ लो आप, ठीक है ना, एक नॉर्मल पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये तो प्योर पीपीटी है, स्विंग दिया हुआ है, मेरा सेटअप का हिस्सा नहीं है क्या, बताइए, कोर्सेज में भी आपको मैं बताया हूं उसका पार्ट है कि नहीं, लाइव वाले ऑडियंस कमेंट करना। यही चीज यहां पे पकड़ लिए तो क्या रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, 1:4 एंड स्टिल एक्टिव, कोई बड़ी बात नहीं कि इसके एक दिन बाद फिर से 5-10% मूव कर जाए या अभी यहां से और 30-35% भी मूव कर जाए, क्योंकि इस स्टॉक में पोटेंशियल है। तो अगर आप इस टाइप से सोचो कि मार्केट में पहला मोमेंटम आया फिर आएगा, आपको सेटअप मिला तब जाके काम लिए, इस टाइप से अगर प्लान करके किया जाए तो एक ट्रेड आपको याद होगा, एक VDL का वीडियो है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो अनलिस्ट हो गया क्योंकि क्वालिटी खराब था, एनालिसिस बहुत बढ़िया था उस समय, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, पर उस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि अभी भले ही ये स्टॉक मुझे 74% का रिटर्न दे रहा है, बट ये 300-400% का भी रिटर्न देगा अगर मैं इसको होल्ड करूंगा। पता है कितना का रिटर्न दिया उसने 1.5 साल में, उस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 400+ का रिटर्न दिया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना अनलिस्टेड वीडियो, मौका बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अभी जज करोगे उस समय का वीडियो और एक टाटा पावर जब ब्रेकआउट दे रहा था वो दोनों वीडियो। तो कहने का मतलब है जब हम रिस्क लेंगे ही तो इसमें क्यों ना लें। अब दूसरा चीज जो सबसे बड़ा बात था कि जब ट्रेड बनेगा ना सारे स्टॉक्स में एक बार में बन जाएगा, और जब नहीं बनेगा ना किसी स्टॉक में नहीं बनेगा, यानी कि आपका एक फेस चलेगा जिसमें आप सिर्फ लॉस करोगे, एक फेस चलेगा जिसमें आप सिर्फ प्रॉफिट करोगे। और रूल कहते हैं इस स्टॉक में लेंगे 10% कमाएंगे फिर निकल जाएंगे, फिर दूसरा स्टॉक में घुसेंगे फिर 10% कमाएंगे निकल जाएंगे। आप जाके चार्ट मैच कर लेना, जब 10% देने वाला होगा ना हर स्टॉक 10% देगा, और जब नहीं देने वाला होगा ना कोई सा भी स्टॉक 10% नहीं देगा, सारे स्टॉक्स गिर रहे होंगे। तो मार्केट मूड पे काम करता है, मार्केट को कोई घंटा मतलब नहीं है कि आप 5% कमाने आए हो मंथली या 7% कमाने आए हो, मार्केट डिसिप्लिन में थोड़ी पैसा देता है। आप अगर ऑप्शन हेजिंग करो ये करो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप स्विंग कर रहे हो या इस टाइप का कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो रिटर्न आपके ऊपर नहीं है कि आप 5% बनाओ, 5% छोटा रिटर्न है, उससे भी बड़ा रिटर्न बन जाएगा, और हो सकता है 2-3 महीने 1% भी रिटर्न ना बने, एक आध महीने लॉस में बुक करके निकलना पड़े, क्योंकि जो रिटर्न बनता है ना वो ट्रेडर नहीं बनाता है, वो मार्केट को दो कि मार्केट कितना परसेंट रिटर्न देगा। एक अच्छा स्टॉक पकड़ोगे 30-40% का रिटर्न भी पॉसिबल है। आपको याद होगा टॉरेंट पावर का एनालिसिस किस कन्विक्शन के साथ हम लोग कर रहे थे, और आज रिजल्ट आपके सामने। सोचो अगर इस ट्रेड में अगर ले कुछ नहीं करना है, अगर 8-5 स्टार एंड डू नथिंग वाला स्ट्रेटजी चला के ले लिए और छोड़ दिए, आप 5-5% करके 10 ट्रेड लेके भी उतना नहीं कमा पाओगे ना जितना एक टॉरेंट पावर में मान लो अगर 10 लाख लगाए तो वो 10 लाख 25 लाख बन चुका होता या फिर 22-23 लाख बन चुका होता। तो इतना आप कंपाउंडिंग करके दिमाग लगा के ये करके वो करके भी नहीं कर पाओगे। तो इसके कारण क्वालिटी ट्रेड्स लो, समय आने का वेट करो। गंदा कहानी ये है मार्केट का, ये बहुत गंदा नियम है कि जब बनेगा तो सारे ट्रेड्स एक ही बार में बनेगा, और नहीं बनेगा तो किसी में नहीं बनेगा, लॉस देगा तो सब देगा, प्रॉफिट देगा तो सब देगा, आपका पूरा कैपिटल फंस जाएगा, आपका पूरा कैपिटल फंस जाएगा। इसी का एक डीप
वाला बात हो जाता है ना कि जब लॉसेस का फेस चलता है, आप सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो गए, सब लॉस दे रहा है, कोई प्रॉफिट दे ही नहीं रहा है। अब जब प्रॉफिट देना स्टार्ट किया, सब प्रॉफिट देना स्टार्ट किया, आप सबसे निकल गए, और जब मार्केट असली में बड़ा पैसा देना रहा तब आपके पास कैश है क्योंकि तभी आप घुस नहीं सकते हो। तो इसके कारण सीजन पे मार्केट पे पैसा लगाओ, ये सब ट्रैप है। 4%, 5%, 10% वाला एक दिन भी 200-250% बना के ऑप्शन ट्रेडिंग भी अगर करते हो तो एक अच्छा ट्रेड जो प्लान किया हुआ गारंटेड कन्विक्शन वाला ट्रेड अगर मिल गया तो वही दिन आपका कैपिटल हो सकता है महीने भर में 1% भी नहीं बना पाया आपने, एडजस्ट करके थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट करके बराबर में रहे, एक दिन आपको बहुत बड़ा लीड दे देगा, बहुत आगे बढ़ा देगा। आप कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो 100 सुनार वाला आप झटका लेते 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 एक जब लोहार वाला मारोगे ना चोट सबका आग लगा दोगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो से आपको काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला होगा, और ये मंथली ट्रैप रिटर्न ये सब चक्कर में मत फंसो, अच्छे ट्रेड लेने पे फोकस करो, डिसिप्लिन के साथ काम करने पे फोकस करो, रिटर्न उतना बन जाएगा ना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, समझे। एक स्टॉक एक ट्रेड इनफ है सारे महीनों का कसर पूरा करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, और जीओटी और कॉम्बो वालों के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि जो तरीका मैंने आपको रॉकेट लिस्ट बताया इस चीज को आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, समझे। इस तरीके से अगर काम करोगे समझ ही रहे होगे, आपका तो माइंड में फैंटेसी चलना शुरू हो गया कि ये रिटर्न बनेगा वो रिटर्न, स्विंग अगर करना है बेस्ट वे बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीका को अपनाओ। ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इस चीज को, डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक है, और हां बीडीएल वाला भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।